नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपनु स्वागत छे। पहला जोईए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज जयपुर में केन्द्र और राजस्थान सरकार की योजनाओं लाभार्थी साथ करते सीधो संवाद। कार्यक्रम में 2 लाख की वधु लाभार्थी हाजर रहने आशा। रूपया 2100 करोड़ की 13 योजनाओं करते शिलान्यास। अमेरिकाना सौराष्ट्र पटेल सांस्कृतिक समाजना आंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फरेंस थी करी बात। पटेल होटल मालिकों ने पोतानी होटल में भारत प्रवासन की एड चलावा प्रधानमंत्री आह्वान। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी प्रजाहितलक्षी निर्णय। 108 इमरजेंसी सेवा माटे जीवी के ईएमआरआई साथ वधु 10 वर्षना एमओयू यथावत। राज्य में 112 नवी 108 उमेराता तेनी संख्या 650 थशे। फीफा विश्वकप में फ्रांस और बेल्जियम की टीमों पहुंची सेमीफाइनल में। आजना क्वार्टर फाइनल मुकाबला में इंग्लैंड की स्वीडन सामे और रशिया क्रोएशिया सामे थशे मुकाबलो। गईकाले रमायेली बीजी मैच जीती 3 T20 मैच की श्रेणी 1-1 थी सरभर करतु इंग्लैंड। समाचार जुए विगतवार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज राजस्थान ना प्रवासे जशे। जयपुर की मुलाकात दरमियान केन्द्र सरकार की विविध योजनाओं लाभार्थी साथ संवाद करशे अने विशाल जनसभा ने संबोधशे। प्रधानमंत्री की मुलाकात अंगे राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जणाव्युं हतुं के उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना, भामाशा और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन सहित योजनाओं की थयेला लाभ की बात लोग पोते ज प्रधानमंत्री ने करशे। आ उपरांत प्रधानमंत्री राजस्थान विकास माटे रूपया 2100 करोड़ की 13 योजनाओं शिलान्यास करशे। उल्लेखनीय है कि 8 मार्च रोज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान विस्तरण और राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरूआत करावा प्रधानमंत्रीए झुंझुनू की मुलाकात लीधी थी। जो कि प्रधानमंत्री बनया बाद जयपुर की प्रजा साथ पहली वक्त बातचीत करशे। अमेरिका में वसता सौराष्ट्र पटेल समाज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गईकाले वीडियो कॉन्फरेंस मध्यम से संबोधित कर जो ये सरहद पार रहता गुजराती बंधुओं ने देश साथे जोड़तो आ विस्तृत अहेवाल। प्रधानमंत्री मोदीए नॉन रेसिडेंशियल गुजराती एटले के एनआरजी ने वीडियो कॉन्फरेंस से संबोधन कर्यू। अमेरिकाना सौराष्ट्र पाटीदार समाज ने संबोधन करता प्रधानमंत्रीए कहू कि तमे देश की संस्कृति ने विदेश में रहीने पण जीवंत राखी छे। आजे भारतना पासपोर्ट की ताकत वधी छे अने विश्वनो कोईपण देश भारतना पासपोर्ट ने सन्मान थी जुए छे। दुनियाना दरेक खूणामां भारतीयोनी चमक वधी छे। आपणा माटे गर्वनी वात छे के भारतना नागरिको जेमनो जन्म भारतमां थयो, जेमना संस्कार शिक्षण भारत में थया, ए लोको विदेश में ज्यां ज्यां गया एमने भारत ने सुवास पहुंचाड़वामां खूब मोटी भूमिका अदा करी छे। प्रधानमंत्रीए पोताना संबोधन में लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने याद कर्या हता। प्रधानमंत्रीए कहूं कि सरदारे देश ना अनेक रजवाड़ाओं ने एकत्रित करवानुं खूब ज महत्वपूर्ण काम कर्युं हतुं। अपनी नवी पीढ़ी जे त्यां जन्मी छे ए बापू ने बराबर जाने, विश्वना महापुरुषों की वच्चे पूज्य बापू केटला अतकेरा ऊंचा हता ये दुनिया जाने, पहला अपना परिवार में बधा जाने, अपना समाज में जाने, भारतीय समाज ना प्रत्येक ने खबर होवी जोईए कि महात्मा गांधी नी महत्ता, महात्मा गांधी नी महामानवता। हुं इच्छुं कि अपना आगामी कार्यक्रमों में गांधी 150 ने केन्द्र में राखी ने आप जरूर योजना बनावजो। तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ये महात्मा गांधीजी ने पण याद कर्या हता अने कहूं हतु के गांधीजी ने स्वच्छता खूब ज प्रिय हती, तेथी देश में आज स्वच्छ भारत अभियान चलावामां आवी रह्युं छे। देश में अनेक शौचालयोनुं निर्माण थयुं छे अने लोको स्वयं स्वच्छताना आग्रही बन्या छे। प्रधानमंत्रीए पटेल समाज ने माटे कहूं कि होटल मोटेल अने पटेल ए समाज की ताकत छे। विश्व में सौथी वधारे होटल पटेल समाज ना लोकोनी छे। प्रधानमंत्रीए आह्वान कर्यू कि तमारी होटल ना रूम में जे टीवी लागेला छे तेमा थोड़ीक सेकेंड माटे भारत ना प्रवासन नी एड लगाओ, जेनाथी भारत में प्रवासन उद्योग ने वेग मळशे।
अमेरिका होय के पश्चिम ना कोई पण देशो दरेक जग्याए गुजराती लोकोए मोटा प्रमाणमां वसीने हिंदुस्ताननी अने खास करीने गुजरातनी संस्कृतिने धबकती राखी छे अने छेले आ विशेष कार्यक्रममां आयोजन बदल तेमणे लोकोने अभिनंदन आप्या हता। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, अमदावाद। मुख्य चूंटणी कमिश्नर ओपी रावते फेक न्यूजना वधता दूषणने गंभीर गणावता कह्यु हतु कि आगामी चूंटणीओमां चूंटणी पंच फेक न्यूज सामे कड़क पगला भरशे। डीडी न्यूज साथेनी खास वातचीतमां तेमणे कह्यु हतु कि टेक्नोलॉजीना बदलाता युगमां वर्तमान कायदानी समीक्षा करता रहेवू पण जरूरी छे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसे कई इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी अपने यहां के निर्वाचन पर फेक न्यूज का कोई प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में परीक्षण किया, उसके बाद अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे चर्चा की और उन्हें अनुरोध किया कि आप जो जो प्रयास फेक न्यूज को रोकने के लिए, उसको फ्लैग करने के लिए, उसको अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए जो भी स्टेप्स ले रहे हैं उसकी जानकारी हमें दें, और अगर वो संतोषजनक नहीं है तो जो आगे और कदम उठाने चाहिए उसके बारे में हमारे जो अनुरोध है उसको उस पर आगे कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए राज्य में अकस्मात के आपत्तिना समय तात्कालिक धोरणे बचाव सेवा पूरी पाड़ती 108 इमरजेंसी सेवा माटे जीवी के ईएमआरआई साथेना एमओयू वधु 10 वर्ष माटे यथावत राखवानो निर्णय कर्यो छे। मुख्यमंत्रीना आ निर्णय ने परिणामे राज्य में 108 इमरजेंसी सेवाओं व्यापक लाभ वधु एक दशक माटे प्रजाजनों अने नागरिकों ने मळशे। अत्रे निर्देश करवो आवश्यक छे कि वर्तमान वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीए 2007 में तेमना मुख्यमंत्री तरीकेना सेवाकाळ दरमियान आ आपातकालीन सेवाओनो गुजरात में प्रारंभ करावेलो। 53 एम्ब्युलेंस साथे राज्य में इमरजेंसी सेवाओ माटे शुरूआत करनारी जीवी के ईएमआरआई साथे 585 एम्ब्युलेंस साथे सेवारत छे। आ वर्षे नवी 112 एम्ब्युलेंसनो तेमां उमेरो थता 650 संख्या थशे। अत्यार सुधी में 85 लाख करता वधु लोकोने कटौकटी वेळाए सेवा साथे अकस्मात के अन्य विपदा में विकट स्थिति में मुकाई गयेला अंदाजे 7 लाख मानव जीव आ सेवाए बचाव्या छे। एटलू ज नहीं, 30 लाख थी वधु महिलाओं ने प्रसूति संबंधी सेवाओ 108 द्वारा अपाई छे। मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणीए ताजेतर में गुजरात में समुद्री विस्तारों माटे बोट एम्ब्युलेंस सेवा शुरू करावी छे। तदुपरांत नागरिकों ने आपातकाल में बचाव और आरोग्य सेवा आंगळीना टेरवे मळी रहे ते माटे गुजराते अभिनव पहल रूपे 108 मोबाइल एप पण लॉन्च करी छे। भारतीय जनता पार्टीए आगामी लोकसभा की चूंटणी माटेनी तैयारी आरंभी दीधी छे, जे अंतर्गत केन्द्रीय नेतागिरीना मार्गदर्शन हेठळ भाजपना मुख्यमथक कोबा स्थित कमलम खाते साते मोर्चाना अध्यक्षोनी बैठक योजाई हती। राज्यनी तमाम 26 बैठकों पर विजय मेळवा माटे प्रचार अभियान तेज बनाववामां आव्युं छे। सोशियल मीडिया तेमज विविध प्रचार माध्यमों थकी लोको सुधी संदेशो पहोंचाडवा अंगेनी आ बैठक में चर्चा करवामां आवी हती। प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाणीनी अध्यक्षतामां योजायेला आ बैठक में केन्द्र अने राज्य सरकारनी तमाम कल्याणकारी योजनाओनी माहिती छेवाड़ाना मानवी सुधी पहोंची रहे ते अंगेनी चर्चा करवामां आवी हती। गुजरातना जाणीता साहित्यकार अमृतलाल वेगड़नुं गईकाले अवसान थयुं हतुं। तेओ उमदा चित्रकार पण हता अने हिंदीना पण उत्तम लेखक हता। तेमणे शांति निकेतन खाते नंदलाल बोस जेवा शिक्षकोना हाथ नीचे तालीम मेळवी। अमृतलाल वेगड़ने तेमना प्रवास वर्णन सौंदर्यनी नदी नर्मदा माटे 2004 साहित्य अकादमी पारितोषिक मळ्यो हतो। नर्मदा नदी ने केन्द्र में राखीने लखायेला तेमना पुस्तको तेमना अंगत अनुभवो अने आंतरिक जगतना परिचालक छे। तेमनो जन्म 3 ऑक्टोबर 1928 दिवसे थयो हतो। तेमनी आकस्मिक विदाई थी गुजराती साहित्य जगत में शोकनु वातावरण फरी वळ्युं छे। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा गांधीनगर खाते खेलो इंडिया स्पर्धा योजाई छे। देश में प्रथमवार दिव्यांगों माटे राष्ट्रीय स्तरनी स्पर्धानु आयोजन गुजरात में थयुं छे, जेनु उद्घाटन जीएनएलयू गांधीनगर खाते केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा अने राज्यना नायब मुख्यमंत्री नीतिन पटेलनी उपस्थिति में थयुं हतुं। 9 जुलाई सुधी चालनारा आ रमतोत्सवना विजेताओने राज्य सरकार द्वारा रोकड़ पुरस्कार अने खेल प्रतिभा पुरस्कारथी नवाजवामां आवशे। आ उपरांत प्रतिभाशाळी रमतवीरोने राष्ट्रीय अने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा माटे सहाय पण करवामां आवशे। तापी जिल्ला में सोशियल मीडिया पर जुगारनो धंधो चलावती टोळकीनो एक सागरित जिल्ला एलसीबीए झड़पी पाड्यो छे।
तापी जिल्लाना वालोर पंथक में एक टोळकी सोशियल मीडिया मार्फत वरली मटकानो जुगार रमाड़ी रहा होवानी बातमी जिल्ला लोकल क्राइम ब्रांच ने मळता वालोड खाते वॉच गोठवी हती अने बातमी मुजबनो ईसम मोटरसाइकल पर फरीने मोबाइल पर जुगार रमनार ईसमो साथे संपर्क में रही व्हाट्सएप मार्फत वरली मटकानो जुगार रमाड़ी रह्यो हतो, जेने पंचोनी हाजरी में एलसीबीए रंगे हाथ झड़पी पाड्यो हतो। तेमज लाखोनी मत्ता कब्जे करी चार ईसमोने वोन्टेड जाहेर करवामां आव्या छे। गुजरात राज्यना उद्योग कमिश्नर ममता वर्मा शुक्रवारे सूरत खाते चेम्बर ऑफ कॉमर्सना पदाधिकारीओ अने उद्योगपतिओने मळ्या हता। तेमने शुरूआतमां नवी टेक्सटाइल पॉलिसी केवी होवी जोईए ते टेक्सटाइलना उद्योगपतिओ पासेथी जाण्युं हतुं। ए सिवाय वायब्रंट गुजरातना बेनर हेठळ दर बे वर्षे सूरतमां थतुं स्पार्कल एक्झिबिशनमां वधुमां वधु विदेशना मोटा बायर्स जोडाय तेनी पूरजोशमां तैयारी करी होवानुं साउथ गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्सने जणाव्युं हतुं। साथे साथे सरकारनी आकर्षक गार्मेंट पॉलिसीनी ऊंडाणपूर्वकनी माहिती उद्योगपतिओने आपी हती। अरवल्ली जिल्लानी बायडनी धामणी नदीमां पूर आव्युं हतुं अने भिलोडा तालुकानी हाथमती नदी पण बे कांठे वहेवा मांडी हती। पूरने कारणे बायडनुं चपलावत गाम संपर्क विहोणुं बन्युं हतुं। ઉપરવાસમાં થયેલા ભારે વરસાદને લઈ હાથમતી નદી ફરી એકવાર બે કાંઠે થઈ હતી, જ્યારે ધામણી નદીમાં પાણી આવતા શાળાએ ગયેલા 30 બાળકો ફસાયા હતા। બંને નદીમાં નવા નીર આવતા આસપાસના ગામડાઓમાં ખુશીની લહેર ફેલાઈ હતી। રાજકોટ રેલવે સ્ટેશન પર ખાણીપીણીના સ્ટોલ પર વધુ ચાર્જ લેવાતા હોવાની ફરિયાદને ધ્યાનમાં રાખી રેલવે તંત્ર દ્વારા 13 સ્ટોલ પર બિલિંગ મશીન મૂકવામાં આવ્યા છે। જે કોઈ મુસાફરો વેપારી પાસેથી બિલ માગે તેને બિલ આપવું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે। સાથે જ ઓવરચાર્જિંગ કે કેટરિંગ સંબંધિત કોઈપણ ફરિયાદ માટે હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। બિલિંગ મશીન મુકાતા વેપારીઓ અને ગ્રાહકો બંનેને ફાયદો થતો જોવા મળે છે। तो इसका मेन पर्पस ये है कि पैसेंजर को एक तो रेट के बारे में पता चले, वो जितना पैसा दे रहे हैं उस हिसाब से उनको चार्ज किया है कि नहीं किया है, और एक हमने स्टिकर भी लगाया है कि कृपया अपना बिल मांगे, और यदि उनको कोई कंप्लेंट है तो हमने एक कंप्लेंट नंबर भी उनको दिया गया है। हमने बिल आया पची थे कस्टमर ने फायदा, कस्टमर ने मजा आए थे कि हमको बिल दिए कस्टमर ने, हम देखा रेलवे ना स्टोल वाला लूटता नहीं। हमने बिलिंग आया पी बहुत सारू लगे थे कि हमको कस्टमर ने कोई चार्ज नहीं, कोई हमने फरियाद नोलो एडजस्ट नहीं थतु। આ લોકો પણ ડિજિટલ બિલ આપે છે આપણને, જે છાપેલું હોય છે નહીં કે લખેલું, એટલે એ બિલ આપવાથી આપણે છેતરાવાના ચાન્સીસ સાવ એટલે સાવ ઘટી જાય છે, જે એક બેલ્જિયમે બ્રાઝિલને 2-1 હરાવી ફિફા વિશ્વકપ ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટની સેમીફાઇનલમાં જગ્યા મેળવી લીધી છે। હાફ ટાઈમ સુધી બેલ્જિયમની ટીમ 2-0 આગળ હતી। બ્રાઝિલ 5 વખત વિશ્વ વિજેતા બન્યો છે, પણ આ વખતે તેની સફર ક્વાર્ટર ફાઇનલથી આગળ વધી શકી નથી। બેલ્જિયમ બીજી વખત સેમીફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે। ગઈકાલે રમાયેલી અન્ય એક મેચમાં ફ્રાન્સે ઉરુગ્વેને 2-0 હરાવીને સેમીફાઇનલમાં પ્રવેશ કરી લીધો હતો। આજે યોજાનાર ક્વાર્ટર ફાઇનલ મુકાબલામાં ઇંગ્લેન્ડની સ્વીડન સામે અને રશિયાની ક્રોએશિયા સામે મુકાબલો થશે। ગઈકાલે રમાયેલી બીજી T20 મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે વિજય મેળવીને 3 મેચની શ્રેણી 1-1 બરાબર કરી દીધી છે। ભારત પ્રથમ બેટિંગમાં આવતા નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 148 રન નોંધાવી શક્યું હતું। ઇંગ્લેન્ડે 149 રનનું વિજય લક્ષ્ય 5 વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કરી લીધું હતું। ઇંગ્લેન્ડ તરફથી એલેક્સ હેલ્સે 58 રન નોંધાવ્યા હતા। આ સાથે જ મોર્નિંગ ન્યૂઝ અહીં સમાપ્ત કરીએ। નમસ્કાર।